बीजेपी की आशा नोटियाल की हुई है जीत, कांग्रेस प्रत्याशी को 5099 वोटों से हराया है आशा नोटियाल, 23,130 वोट उन्हें मिले हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं और यहां पर बीजेपी की आशा नोटियाल की जीत हुई है, कांग्रेस की प्रत्याशी को 5099 वोटों से हराया, 23,130 वोट यहां पर आशा नोटियाल को मिले हैं। देखिए दोनों ही पार्टियों ने यहां पर मेहनत की थी, लेकिन केदारनाथ की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल के सिर पर जीत का सहरा बांधा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे स्पष्ट हो गए हैं और यहां पर बीजेपी की आशा नोटियाल विजयी हुई हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को 5099 वोटों से उन्होंने यहां पर हराया है, आशा नोटियाल को 23,130 वोट मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केदारनाथ की जनता ने बीजेपी की आशा नोटियाल के सिर जीत का सहरा सजा दिया है। देखिए दोनों ही पार्टियों ने मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने यहां पर हर राउंड में बीजेपी की प्रत्याशी बढ़त बनाती हुई दिखाई दी और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, आशा नोटियाल के सिर बंधा है जीत का सहरा। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ विधानसभा में जो उपचुनाव हुए थे उसके परिणाम अब सामने आ चुके हैं। 13 राउंड की वोटिंग खत्म होने के बाद जो भाजपा प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल की है। अगर वोटों की बात कर ली जाए तो तकरीबन 23,130 वोट उन्हें मिली है और इसके साथ ही साथ जो उनके प्रतिद्वंदी माने जा रहे थे कांग्रेस के जो मनोज रावत हैं उन्होंने 18,031 वोट वो पूरे विधानसभा क्षेत्र से लाए हैं और भाजपा अगर प्रत्याशी की बात की जाए तो 5,000 से अधिक वोटों से जीती है। कुल ये कहा जा सकता है कि केदारनाथ की जनता ने एक बार फिर पर विश्वास दिलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार केदारनाथ पर अपनी दूरदर्शिता बनाए हुए थे तो कहीं ना कहीं इसका फर्क भाजपा को मिला है। केंद्र में सत्ताधारी दल हो या राज्य में सत्ताधारी दल हो, एक बार फिर केदारनाथ की जनता ने महिला नेतृत्व पर यकीन किया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो केदारनाथ की जनता है उन्होंने मातृशक्ति पर विश्वास किया और भाजपा ने भी जिस मातृशक्ति को टिकट दिया था विधानसभा का वो अब विधानसभा पहुंचने में कामयाब रही है और केदारनाथ जनता की बदौलत ही वो विधानसभा में अब केदारनाथ विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। जी अब हिमांशु, जैसा कि स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल जो है वहां पर विजयी हुई है, किस तरह का माहौल वहां पर बीजेपी के खेमे में दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं खुद भाजपा कार्यालय प्रदेश भाजपा कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर अब जो है जश्न की तैयारियां हो रही हैं क्योंकि भाजपा ने 5,000 से अधिक का मार्जिन जो है उससे जीत हासिल की और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तकरीबन 3 बजे परेड ग्राउंड से लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक जो है अभी रोड शो करेंगे और इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो है जो रोड शो करने जा रही है भाजपा परेड ग्राउंड से भाजपा मुख्यालय तक उसमें शामिल होने वाले हैं। जी मानशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, भाजपा की आशा नोटियाल वहां पर विजयी हुई है, जीत का जश्न जो है वहां पर बीजेपी मुख्यालय पर दिखाई दे रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, बीजेपी की आशा नोटियाल विजयी हुई है, यहां पर आशा नोटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 5,099 वोटों से हराया है। भाजपा की आशा नोटियाल केदारनाथ उत्तराखंड की सीट से विजयी हुई हैं, यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को इन्होंने 5,099 वोटों से हराया है और आशा नोटियाल को यहां 23,130 मत मिले। भाजपा की आशा नोटियाल केदारनाथ सीट से विजयी हुई हैं, बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल देखा जा रहा है।